राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर गहलोत और पायलट गुट में शह और मात का खेल अब भी जारी है। विधायक की बचाने के लिए पायलट गुट ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। वहीं गहलोत गुट ने पायलट गुट के दो विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सियासी पारा इस वक्त आसमान पर है और लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का भी आरोप लगाया और दोनों विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को इसका मोहरा बताया। अब आपको बता दें कि पायलट गुट की अर्जी पर आज दोपहर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई है। स्पीकर के नोटिस को पायलट के 19 विधायकों ने चुनौती दी है। अब देखना यह होगा कि दोपहर बाद जब कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो इस मामले पर कोई फैसला देता है या फिर विधानसभा के पास ये विशेष अधिकार रखता है। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट में नई याचिका भी पायलट गुट की तरफ से लगाई गई है। पार्टी के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज उठा रहे हैं, इस याचिका में कहा गया है। तो याचिका का देखिए जो ये कंटेंट है या जो इसमें कहा गया उसको देखकर ये समझ आ रहा है कि विधायकी की बची रहे इसको लेकर भी पायलट गुट की तरफ से प्रयास है, क्योंकि हाथ से वो बाजी भी निकल जाएगी अगर विधायकी जो है वो रद्द होती है, उस पर एक्शन अगर विधानसभा स्पीकर ले लेते हैं तो इस आशंका से बचने के लिए ये कदम पायलट गुट की तरफ से कि एक और नई याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। हालांकि जो नोटिस दिया गया था विधानसभा की तरफ से 17 जुलाई उसकी आखिरी तारीख यानी आज का दिन आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। रणदीप सुरजेवाला ने अब से कुछ ही देर पहले दो विधायकों के निलंबन की बात कही थी, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं, परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप हमारे साथ शरद कुमार इस वक्त मौजूद हैं। शरद, देखिए जिस तरह के डेवलपमेंट्स राजस्थान में हुए हैं, हाईकोर्ट में अब एक नई याचिका भी लगाई गई है पायलट गुट की तरफ से, और इसमें जो कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज उठा रहे हैं, पार्टी के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं, यानी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से विधायकी पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, लड़ाई तभी तक जारी रहेगी। देखिए, इंडिया टुडे मैगजीन के दिए गए इंटरव्यू के बाद पहली बार कानूनी रूप से सचिन पायलट उनके साथियों ने कोर्ट में कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, हम सरकार गिराने की साजिश नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है गांधी परिवार बात कर रहा है पायलट से, एक तरफ यहाँ पर ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट जारी की जा रही है होटल के बाहर, दूसरी तरफ पायलट कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहना चाहता हूँ। तो अजीब सा एक आपस में अंदर लगता है कि सास बहू की सीरियल चल रही है कांग्रेस के अंदर, कभी एक गुट कुछ और दावा करता है, दूसरा कुछ और दावा करता है। इस बीच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी थे, उन्होंने कहा कि 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। उस मुकदमे में इन्होंने कल शाम को शिकायत दी थी कि ऑडियो टेप एक मिला है जिसमें से ये देखा जा रहा है कि निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एक दलाल संजय जैन पैसे के जरिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसकी सत्यता की जांच की जाए। उसके आधार पर एसओजी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संजय जैन से कल दिन भर पूछताछ की गई है, रात को छोड़ दिया गया था, आज संजय जैन वापस 10 बजे उसको बुलाया गया है एसओजी में। संजय जैन खैनी का कारोबारी है, कुबेर ग्रुप का, और उसी बीकानेर चूरू के इलाके का रहने वाला है। तो कुल मिला के एक तरह से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरी तरफ से सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहना चाहता हूँ। सचिन पायलट ने पहली बार वकील के जरिए बात कही है।